माहौल बनने लगा। मायावती की बीएसपी अखिलेश की सपा से दोस्ती करने का मन बना रही। फिर साथ आएंगे अखिलेश और मायावती, 2027 के लिए यूपी के इस बड़े नेता ने कर दी भविष्यवाणी। अफजाल अंसारी ने तर्क की कसौटी पर यह साबित करने का किया प्रयास, 2027 में अखिलेश से दोस्ती के लिए मायावती को हाथ बढ़ाना ही पड़ेगा। लोकसभा चुनाव के नतीजे आने के बाद यूपी में अब सबकी नजर उपचुनाव और 2027 के विधानसभा चुनाव पर है। वैसे देखें तो 2027 के यूपी विधानसभा चुनाव को होने में अभी काफी वक्त है, पर सियासी समीकरण अभी से बनने लगे। इस कड़ी में सपा सांसद अफजाल अंसारी ने 2027 के यूपी चुनाव को लेकर बड़ा बयान दिया। अफजाल अंसारी ने आगामी चुनावों में सपा और बसपा के एक बार फिर से साथ आने की बात कही। गाजीपुर में सपा सांसद अफजाल अंसारी ने कहा, हमारी पूरी कोशिश रहेगी कि 2027 के यूपी विधानसभा चुनाव में सपा बसपा साथ मिलकर लड़ें। समाज ने तय कर लिया है कि नेतृत्व को समाज की बात माननी पड़ेगी, और नहीं तो पिछली बार यूपी की तरह ही 403 सीटों में बसपा को मात्र एक सीट ही मिलेगी। बसपा बिना स्वीकार के इस बार लोकसभा में 80 में शून्य पर सिमट कर रह गई। अब समाज ने तय कर लिया है। सपा सांसद अफजाल अंसारी ने दावा किया कि कुछ दलित बस्तियों में उनको 75% तक मत मिले हैं और औसतन दलित बस्तियों के 50% तक मत उनको मिले। उन्होंने इस बात को स्वीकार किया कि लोकसभा चुनाव से पहले उनको ये बात बताई गई थी कि अगर दलित उनको वोट करता है तो परिणाम उनके पक्ष में होगा, और उन्होंने दलित वोट पर पूरा फोकस किया और परिणाम सकारात्मक रहा। अफजाल अंसारी ने आगे कहा, 2027 के विधानसभा चुनाव में सपा बसपा गठबंधन नहीं हो पाता है तब भी दलित मतों की बड़ी भूमिका इस चुनाव में होने वाली है। अफजाल अंसारी इशारों में मायावती पर निशाना साधते हुए कह रहे हैं कि बसपा के टॉप लीडरशिप को सोचना होगा, नहीं तो दलित समाज खुद सोच लेगा। ऐसा कर वो दलित वोट की सिंपैथी बटोर रहे और आने वाले विधानसभा चुनाव में उनको वोट में कन्वर्ट करने की पूरी कोशिश है। अफजाल अंसारी बसपा में रहे हैं और गाजीपुर में दलित वोट में उनकी गहरी पहट है, यह लोकसभा चुनाव में साबित भी हो चुका है। उनका प्रयास है पूरे प्रदेश में इसी समीकरण पर काम हो और सपा बसपा का गठबंधन ना हो, तब भी अपने को वो दलितों का सबसे बड़ा हितैषी साबित कर सके। बता दें कि 2024 के लोकसभा चुनाव में उत्तर प्रदेश की 80 लोकसभा सीटों पर सपा और कांग्रेस गठबंधन ने शानदार प्रदर्शन किया। सपा ने यूपी में सबसे ज्यादा 37 सीटों पर जीत दर्ज की तो कांग्रेस ने 6 सीट अपने नाम की, वहीं बीजेपी गठबंधन 29 सीटों के नुकसान के साथ 36 सीटों पर सिमट गई। बसपा का इस लोकसभा चुनाव में खाता भी नहीं खुला।